हेलो गाइस वेलकम टू अंशु अंबा एजुकेशन सेंटर आई एम अंशुराज गुप्ता आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आई अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट क्वेश्चन है मेल हनी बीज इज मेल हनी बीज जो है क्या होता है प्लॉयड होता है डिप्लॉयड होता है या फिर बोथ है या नन ऑफ दीज है तो मेल हनी बीज जो है ये होता है हैप्लोइड यही क्वीन बी अगर रहता फीमेल हनी बीज रहता तो आंसर होता डिप्लोइड लेकिन यहाँ पे मेल है तो हैप्लोइड होता है अब नेक्स्ट है क्वीन बी इज फर्टाइल होता है या एस्टेराइल होता है या बोथ या नन ऑफ दीज तो क्वीन बी जो है ये होता है फर्टाइल यही अगर मेल हनी बी रहता तो आंसर होता एस्टेराइल अब नेक्स्ट है सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है एक्स क्रोमोजोम अपॉन वाई क्रोमोजोम से या फिर वाई क्रोमोजोम अपॉन एक्स क्रोमोजोम से या एक्स क्रोमोजोम अपॉन ऑटोजोम से या नन ऑफ दीज से तो सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं एक्स क्रोमोजोम अपॉन ऑटोजोम से एक्स अपॉन ए अगर वन आता है आंसर तो हो जाएगा फीमेल और जीरो पॉइंट फाइव अगर आया तो आंसर अगर जीरो पॉइंट फाइव आता है तो हो जाएगा मेल तो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसजेंडर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर को और क्या कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ सेक्स मोजेक बोथ एनान ऑफ दीज तो ट्रांसजेंडर को जो है ये दोनों कहेंगे गयनेंड्रोमॉर्फ भी कहते हैं और सेक्स मोजेक भी कहते हैं सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सडन चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में उसको क्या कहेंगे लिंकेज लिथल जीन म्यूटेशन या एनान ऑफ दीज तो इसको जो है कहते हैं म्यूटेशन इसको क्या कहेंगे इसको म्यूटेशन कहते हैं नेक्स्ट है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रोमोजोम नंबर में चेंजिंग होता है उसको क्या कहेंगे क्रोमोजोमल एब्रेशन जेनोमैटिक म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन या फिर नन ऑफ दीज तो नंबर में अगर यहाँ पे चेंज है तो आंसर होगा जेनोमैटिक म्यूटेशन यही अगर स्ट्रक्चर में चेंजिंग रहता तो आंसर होता क्रोमोजोमल एब्रेशन अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ पे कौन सा है अल्केप्टोन्यूरिया फेनाइल किटोनियूरिया सिकल सेल एनेमिया या ऑल ऑफ दीज तो ये तीनों जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये तीनों क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर है अब नेक्स्ट है क्रोमोजोम इन्वॉल्व इन डाउन सिंड्रोम इज कि कौन सा क्रोमोजोम जो है इन्वॉल्व होगा सिंड्रोम में ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम या फिर ट्वेल्थ क्रोमोजोम ट्वेंटी फिफ्थ क्रोमोजोम या ट्वेंटी तो यहाँ पे क्रोमोजोमी वन इक्कीसवा जो क्रोमोजोम होता, होता है वो इन्वॉल्व होता है अब नेक्स्ट है वॉट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम जो है कितना क्रोमोजोम होता है ऑप्शन है फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट नीज तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्टी सेवन फोर्टी सेन फोर्टी सेवन क्रोमोजोम जो है डाउन सिंड्रोम में हो जाता अब है अब नेक्स्ट है ट्रिटिकम स्टिबम इज ट्रिप्लॉय टेट्राप्लॉयड ट्रिटिकम स्टिबम जो है ये होता है ये क्या होगा होता है टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में जो है कितना क्रोमोजोम होगा फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्स एन ऑफ दीज तो इसमें जो है फोर्टी फाइव हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव क्रोमोजोम होता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन किसमें यह टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन देखा जाता है ये किसके टाइप्स में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है प्लेटिपस नेल्स कॉकरोच पिकॉक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकॉक पिकॉक में ये देखा जाता है डाउन सिंड्रोम इज़ ए मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर बोथ एंड बी नन ऑफ दिज तो डाउन सिंड्रोम जो है ये होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर ये क्या है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है क्रोमोजोम नंबर इन ए ह्यूमन मेल इज मेल का क्रोमोजोम नंबर क्या होता है 44 फोर प्लस एक्स वाई फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स फोर्टी सिक्स प्लस एक्स एक्स फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम मेल में होता है डोम सिंड्रोम इज ए ये सेम क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोजोमल हो जाएगा क्रोमोजोमल हो जाएगा ट्राइजोमीटेड बाई टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू टू एन प्लस वन या टू एन तो ट्राइजोमी कहते हैं टू एन प्लस वन को ट्राइजोमी किसको कहते हैं टू एन प्लस वन को कहते हैं जैसे ट्राइजोमी हो जाता है डाउन सिंड्रोम में तो जितना क्रोमोजोम नंबर होता है उससे एक प्लस कर दीजिएगा आप तो उसको कहते हैं ट्राइजोमी जैसे मेल में या फिर फीमेल में क्रोमोज़ोम नंबर अगर मेल में देखा जाए तो होता है फोर्टी सिक्स यही अगर किसी को डिजीज होता है डॉम सिंड्रोम तो उसका क्रोमोजोम नंबर हो जाता है फोर्टी सेवन यही अगर मोनोजोमी कहेगा तो यहाँ पे एक माइनस होता है टू एन माइनस वन कहने का मतलब है कि फोर्टी सिक्स था तो हो जाएगा क्रोमोजोम फोटी फाइव Beast syndrome, तो ये होता है ट्राइजोमी और मोनोजोमी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम इन्वॉल्व इन क्लिन फिल्टर सिंड्रोम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोजोम इन्वोल्व होता है। ऑप्शन है वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम फोटी फोर क्रोमोजोम ट्वेंटी सेवन क्रोमोजोम तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल यहाँ पे क्या है डाउन सिंड्रोम इडवॉर्ड सिंड्रोम पटियूज सिंड्रोम यहाँ पे ऑप्शन एक मिसप्रिंट है ऑल ऑफ दीज होगा ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होगा और आंसर यही करेक्ट है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर ये तीनों होता है डाउन सिंड्रोम इडवॉर्ड सिंड्रोम और पटयूज सिंड्रोम ये तीनों जो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है अब नेक्स्ट है क्रोमोज़ोम नंबर ह्यूमन फीमेल अब फीमेल में क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है ऑप्शन है फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स फोर्टी फोर प्लस वाई वाई या फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई या नन ऑफ दीज तो यहाँ पे क्रोमोजोम जो है फीमेल में होगा फोर्टी फोर प्लस एक्स फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई जो है वो मेल में होता है ट्राइजोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम कोजेज ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम में जो है ट्राइजोमी होता है वो क्या कॉज करता है वो कौन सा सिंड्रोम कॉज करता है क्लिन फिल्टर सिंड्रोम सिकल सेल एनीमिया टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम तो ट्राइजोमी ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम में जो होता है वो कॉज करता है डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन किस में होता है माइटोसिस में मियोसिस में फर्टिलाइजेशन में म्यूटेशन में तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है ये होता है म्यूटेशन में तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो